हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स स्टूडेंट्स आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट्स इन दी क्लोज अकाउंट्स ओके स्टूडेंट्स ये वाला टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है ओके okay? एग्जाम्स में अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेगा ओके एडजस्टमेंट इन द्लोज अकाउंट मतलब क्लोज्ड अकाउंट में एडजस्टमेंट करना है मतलब जिन अकाउंट को क्लोज कर दिया गया है उसमें एडजस्टमेंट करना है कैसा एडजस्टमेंट तो ध्यान से देखिएगा ओके स्टूडेंट्स ये तो आप सारे बच्चों को मालूम है ना कि एक फाइनेंशियल ईयर में न्यू अकाउंट ओपन किया जाता है एंड फाइनेंशियल ईयर के एंड में अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है जैसे फर्स्ट अप्रैल को न्यू अकाउंट ओपन किया जाता है एंड थर्टी फर्स्ट मार्च को अकाउंट क्लोज किया जाता है ये हम एवरी ईयर करते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर न्यू अकाउंट खुलेगा उसके बाद ईयर के एंड में अकाउंट क्लोज किया जाएगा ऐसे कंटिन्यू एवरी ईयर वर्क होता रहता है फॉर्म में स्टूडेंट्स एक फाइनेंशियल ईयर के एग्जाम्पल से हम समझेंगे 2019 टू 20 एक पार्टनरशिप फॉर्म है जहां पे अकाउंट मेंटेन हुआ फर्स्ट अप्रैल 2019 एंड थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी का ओके पार्टनरशिप फॉर्म में कौन कौन से अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं सारे बच्चों को मालूम होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ओके जब सारे अकाउंट मेंटेन कर दिए गए लास्ट डेट को जब अकाउंट क्लोज किया गया उस दिन पता चला कि अकाउंट्स में कुछ रॉन्ग हो गया है या तो फिर किसी एंट्री में रॉन्ग एंट्री हो गई है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था पार्टनर्स के बीच रॉन्ग प्रोपोर्शन में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर्स को बट गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए ऐसी कुछ गलतियां होती हैं गलतियां तो किसी से भी हो सकती हैं तो लास्ट डेट को सेशन एंड होने के लास्ट डेट को जब पता चलता है कि ये ये गलतियां हो गई हैं तो उन गलतियों को सुधारने के लिए हम एडजस्टमेंट करते हैं क्लोज अकाउंट में समझ में आया आपको उन्हीं गलतियों को उन्हीं एरर्स को हमें रेक्टिफाई करना होता है जिन्हें हम कहते हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट ओके जैसे देखिए एंड सी तीन पार्टनर्स हैं ओके एक फर्म में एंड सी तीन पार्टनर्स हैं फर्म ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी फॉर्म ने मेंटेन किया उसके बाद बैलेंस शीट बन गया ओके जब बैलेंस शीट बना तो पता यह चला कि पार्टनर्स के बीच रॉन्ग प्रोपोर्शन में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है जैसे पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था टू इज टू वन इज टू टू में बट गलती से वन इज टू टू इज टू वन में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है ये एरर हुआ एरर हुआ ना तो इसी ऐसी गलतियों को रेक्टिफाई करने के लिए हम बनाते हैं एडजस्टमेंट इन दी क्लोज अकाउंट बैलेंस शीट बन गया लास्ट डेट को जब अकाउंट क्लोज हो गया तब पता चला कि पार्टनर्स के बीच में रॉन्ग प्रोपोर्शन में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है या फिर एक और एग्जाम्पल ले लें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया गया एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया गया उसके बाद अकाउंट क्लोज हो गया तो पता ये चला कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना था बट गलती से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया ओके या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नाइन परसेंट के हिसाब से देना था बट टेन परसेंट के हिसाब से दे दिया गया ओके तो ये सारी गलतियां जब ईयर एंड होने के टाइम अकाउंट क्लोज होने के टाइम पता चलता है तो उसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे तो उसी को हम रेक्टिफाई करने के लिए एडजस्टमेंट्स करते हैं जिन्हें हम कहते हैं एडजस्टमेंट इन दी क्लोज अकाउंट स्टूडेंट्स इसे हम पास्ट एडजस्टमेंट भी कहते हैं ओके पास्ट एडजस्टमेंट प्रीवियस ईयर्स की गलतियों को एडजस्ट करते हैं पास्ट मतलब समझ रहे ना आप लोग पीछे जो भी गलतियां हुई हैं जो भी एरर्स हुए हैं प्रीवियस इयर्स में उनका हम एडजस्टमेंट करते हैं ठीक तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करते हैं बहुत ही ध्यान से देखिएगा ओके बट उससे पहले एक पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर दू सारे बच्चों को मालूम होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम होता है एंड फर्म के लिए एक्सपेंस होता है स्टूडेंट्स वो सारे आइटम्स जो पार्टनर्स के लिए इनकम होता है वो फर्म के लिए एक्सपेंस होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम होता है कैसे इनकम होता है क्योंकि पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव करते हैं ओके बट फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करती है तो फर्म के लिए एक्सपेंस होता है ये पॉइंट तो सारे बच्चों को मालूम होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस होता है एंड फॉर्म के लिए इनकम होता है स्टूडेंट ये मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन करने के टाइम आप लोग को ये जानना बहुत ही जरूरी होगा कि कौन सा आइटम पार्टनर्स के लिए इनकम है एंड कौन सा आइटम कौन सी एंट्री फॉर्म के लिए इनकम है या फिर एक्सपेंस है तो तो ये तो आपको क्लियर होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम होता है एंड फॉर्म के लिए एक्सपेंस होता है जो भी चीज पार्टनर्स के लिए इनकम होगा वो फॉर्म के लिए एक्सपेंस होगा ओके okay? जाहिर सी बात है अगर पार्टनर्स रिसीव करेगा तो फॉर्म उसे देगा तभी पार्टनर रिसीव करेगा तो पार्टनर्स रिसीव करेंगे तो उनका इनकम होगा फॉर्म उन्हें पे करेंगे तो फॉर्म का एक्सपेंस होगा सैलरी कमीशन ये सारे एग्जाम्पल्स हैं सैलरी पार्टनर्स के लिए इनकम होता है फॉर्म के लिए एक्सपेंस होता है कमीशन पार्टनर्स के लिए इनकम होता है बट फर्म के लिए एक्सपेंस होता है समझ में आई ये बात आपको अब देखिए इनकी जरूरत पड़ेगी जब तब मैं आपको बताऊंगी ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टी करेंगे आपके क्वेश्चन में डीके गोयल बुक से मैंने ये नोट किया है ओके न्यू बुक के क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर फोर्टी में लिखा हुआ है आफ्टर दी अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स क्लोज ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट मेंटेन करने के बाद जब बुक को क्लोज कर दिया गया

तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शो कर रहा है ईयर के बिगिनिंग में एट लाख फोर लाख एंड थ्री लाख ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है बिगिनिंग ऑफ द ईयर इसका क्या मतलब है ये क्यों लिखा हुआ है तो ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा हम ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करते हैं ठीक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी क्लोजिंग बैलेंस पे आप लोग कैलकुलेट मत करिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा हम ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है ईयर के बिगिनिंग में उनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शो कर रहा था मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है ओके दॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज टू इज टू वन इज टू वन तीनों पार्टनर्स का प्रोफिट शेयरिंग रेशियो हैिंग द बैलेंस शीट बैलेंस शीट चेंज करने की जगह इट इज डिसाइडेड टू पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री एट द बिगनिंग ऑफ ईयर बैलेंस शीट चेंज करने की जगह डिसाइड यह हुआ कि एंट्री को एडजस्ट करना है ओके एडजस्टिंग एंट्री मतलब यही वाला पॉइंट एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट हमें एडजस्टमेंट करना है नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में तो देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे होगा स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट इन द्लोज अकाउंट में जो भी एरर्स होते हैं उनको हम करेक्ट कैसे करते हैं आपने क्लास इलेवन में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा है ना तो जो भी एरर्स होते थे उसे आप रेक्टिफाई करते थे जनरल एंट्री बना के जनरल एंट्री करते थे ना वैसे इसमें हम एक टेबल बनाएंगे उसके बाद एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे देखिए उस टेबल को हम कहते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स ओके okay? अब देखिए फॉर्मेट बनाएंगे टेबल का जितने पार्टनर्स होते हैं उतना कॉलम बनता है एंड एक टोटल का कॉलम बनता है एंड एक पार्टिकुलर्स का ओके okay? यहां लिख देंगे पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी एंड ये हो जाएगा टोटल अब देखिए इंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करना भूल गए थे ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर्स को दे रही है पार्टनर्स रिसीव करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मैंने यहाँ पे आपको बताया ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम होता है तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सामने हम क्रेडिट साइड लिखेंगे क्रेडिट साइड क्यों लिखेंगे क्योंकि सारे इनकम्स की एंट्री हम क्रेडिट साइड में करते हैं ना तो इसीलिए यहाँ पे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे जो भी इनकम्स होंगे पार्टनर्स के लिए उनके आगे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे एंड अगर एक्सपेंस होंगे तो हम डेबिट साइड लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम होता है एंड सारे इनकम्स की एंट्री हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं तो यहां हम क्रेडिट साइड करेंगे ओके okay? अब देखिए तीनों पार्टनर्स का हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे ए का है कैपिटल एट लैख एट लैख इंटू कितना दिया हुआ है रेट एट परसेंट एट अपॉन हंड्रेड कितना हो जाएगा सिक्सटी फोर थाउजेंड बी का कैपिटल कितना है फोर लैख एंड थ्री लैख फोर लैख बी का इंटू एट अपॉन हंड्रेड हो जाएगा थर्टी टू थाउजेंड एंड सी का था थ्री लैख इंटू एट अपॉन हंड्रेड ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर थाउजेंड तीनों पार्टनर्स का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया ना तो यहां पे हम सामने लिखेंगे सिक्सटी फोर थाउजेंड थर्टी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर थाउजेंड अब इसके बाद क्या करेंगे इन तीनों पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम टोटल करेंगे कितना हो जाएगा सिक्सटी फोर थाउजेंड प्लस थर्टी टू थाउजेंड प्लस ट्वेंटी फोर थाउजेंड ये हो जाएगा वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड ओके इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा ये जो टोटल आया है वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड इस टोटल को हम पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओके यहां लिखेंगे डिविजन ऑफ रुपीज वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड डिविजन ऑफ वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड इन दी रेशियो ऑफ कितना दिया हुआ रेशियो टू इज टू वन इज टू वन फर्म उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है फॉर्म पे कर रही है तो फॉर्म का एक्सपेंस हो रहा है तो यहां पे हम डेबिट साइड में लिखेंगे डेबिट साइड लिखेंगे ओके okay? ऊपर हम पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं उसके बाद जब हम डिवाइड करते हैं पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस टाइम में हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ओके okay? बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर पार्टनर्स के तो मैं बता रही हूं कि जब आप टोटल को डिवाइड करोगे ना पार्टनर्स के बीच में तो वहां पे आप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना ओके okay? एंड जब एंट्री करोगे या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इन सब की एंट्री करोगे तो वहां पे आप पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा ओके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम होता है तो हमने यहाँ पे क्रेडिट लिख दिया उसके बाद अब फर्म उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो यहाँ पे हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ओके okay? तो कितना हो जाएगा टोटल आया हमारा वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड इंटू टू अपॉइन फोर फोर वन जॉ फोर फोर थ्री जो ट्वेल्व थर्टी थाउजेंड इंटू टू ये हो जाएगा सिक्सटी थाउजेंड यहां पे लिखेंगे सिक्सटी थाउजेंड का कैलकुलेट करेंगे वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड इंटू वन अपॉइन फोर ये हो जाएगा थर्टी थाउजेंड यहाँ पे लिख देंगे थर्टी थाउजेंड एंड सी का देखिए वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड इंटू टू अपॉन फोर सॉरी वन अपॉन फोर होगा यहाँ पे टू इज वन इज टू वन था यहाँ पे भी हो जाएगा वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड इंटू वन अपॉन फोर तो ये हो जाएगा थर्टी थाउजेंड यहां पर लिख देंगे थर्टी थाउजेंड टोटल कर देंगे वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड इन तीनों को टोटल करिए आप तो आ जाएगा वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड यहां तक का हो गया इसके बाद क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा माइनस करना यहां क्रेडिट बैलेंस है एंड यहाँ पे डेबिट बैलेंस है तो जब ऑपोजिट साइड होता है ना तो उसे हम माइनस करते हैं ओके आगे और भी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें मैं और तरीके से एक्सप्लेन करूंगी यहां पर ऑपोजिट साइड है ये क्रेडिट साइड है एंड ये डेबिट साइड है ओके okay, तो अपोजिट साइड को हम माइनस करते हैं सिक्सटी फोर था टू माइनस थ्री सॉरी टू थाउजेंड यहाँ पे डेबिट साइड वाला ज्यादा है एंड क्रेडिट साइड वाला कम है तो थर्टी माइनस ट्वेंटी फोर हो जाएगा सिक्स थाउजेंड हो गया वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड माइनस वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड कितना होगा जीरो हो गया इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स अब हमें जनरल एंट्री बनाना है ठीक तो जनरल एंट्री बनाने के लिए हमें यह जानना बहुत ही जरूरी है कि किस पार्टनर को क्रेडिट में लिखना है एंड किस पार्टनर को डेबिट में लिखना है तो ये कैसे जानेंगे तो देखिए यहाँ पे आप क्रेडिट साइड लिखे हो एंड यहां पे डेबिट साइड ओके तो इन दोनों अमाउंट में एक क्रेडिट बैलेंस एंड डेबिट बैलेंस दोनों बैलेंस देखिए दोनों में से जो ज्यादा बैलेंस होगा वही हम साइड लिख देंगे एक अमाउंट के नीचे सिक्सटी फोर थाउजेंड एंड सिक्स में से ज्यादा कौन सा है क्रेडिट साइड वाला ज्यादा है क्रेडिट बैलेंस है तो यहां पे लिखेंगे क्रेडिट थर्टी टू थाउजेंड एंड थर्टी थाउजेंड में से ज्यादा कौन सा है क्रेडिट बैलेंस वाला यहां लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एंड थर्टी थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर थाउजेंड में से ज्यादा कौन सा है डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो यहां लिख देंगे डेबिट बैलेंस ओके अब हम जनरल एंट्री बना देंगे ए एंड बी का क्रेडिट आया तो इनकी एंट्री हम क्रेडिट साइड में करेंगे सी का डेबिट आया तो सी की एंट्री हम डेबिट में करेंगे इज कैपिटल अकाउंट डेबिट आप लोग फॉर्मेट बना के अच्छे से करिएगा ओके okay? इसे ही हम कहते हैं सिंगल जनरल एंट्री यहां पे आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना

यहां लिखा हुआ है बैलेंस शीट चेंज करने की जगह हम एडजस्टिंग एंट्री कर देंगे ओके तो ये इसे ही हम कहते हैं एडजस्टिंग एंट्री ओके तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा सी में हो जाएगा सिक्स थाउजेंड ए में हो जाएगा फोर थाउजेंड एंड बी में हो जाएगा टू थाउजेंड स्टूडेंट्स जनरल एंट्री भी हमने बना लिया क्वेश्चन नंबर फोर्टी हमने सॉल्व कर दिया स्टूडेंट्स ये वाला टॉपिक मैंने लास्ट ईयर भी एक्सप्लेन किया था बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं इस ईयर भी आप लोग को एक्सप्लेन कर दी हूं क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन न्यू क्वेश्चन है तो मैं वो वाला भी एक्सप्लेन करूंगी आपको एंड उसके बाद जो भी लास्ट ईयर की बुक से मैच करते हुए क्वेश्चन होंगे तो वो आप लोग लास्ट ईयर वाले वीडियो से देख लेना ओके सो स्टूडेंट्स आज हमने किया क्वेश्चन नंबर फोर्टी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन आई होप सारे बच्चों को पास्ट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था मैं चाह रही थी कि एक ही बार में सारे बच्चों को समझ में आ जाए तो प्लीज स्टूडेंट्स आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया ओके okay? So students, if you like my video, then please like, share and comment and do subscribe my channel. Thanks for watching.